आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से फिश करी। ये फिश करी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत कम टाइम में बन जाता है और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ मैं बना रही हूँ। मैं कैसे बना रही हूँ चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने कतला फिश लिया है, कोई भी रोहू फिश कोई भी फिश ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 6 फिश लिया है। अच्छे से इसको मैंने नमक से धो के 2-3 बार धो के रखा है। अब मैं मसाले में यहाँ पे ले रही हूँ 1 मीडियम प्याज, थोड़ा सा अदरक, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 3 मैंने हरी मिर्च लिया है। मैंने यहाँ पे मिक्सिंग जार लिया है तो मैं एक पेस्ट बनाऊँगी। पहले मैंने अदरक दिया, अब मैं लहसुन दे रही हूँ, प्याज भी मैंने यहीं पे दिया, आप काट के भी दे सकते हैं लेकिन इस तरह से भी कभी बनाइएगा। अब मैं यहाँ पे हरी मिर्च दे रही हूँ 3, पानी थोड़ा सा दे के मैं ग्राइंड कर रही हूँ, मुझे एक पेस्ट चाहिए। ये देखिए पेस्ट रेडी हो गया, तो मैं एक बॉल में मसाले को शिफ्ट कर रही हूँ। सारे मसाले मैंने दे दिया तो अब मैं यहाँ पे इसी के ऊपर दे रही हूँ 1-1 करके हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल चम्मच दे रही हूँ मैं हल्दी पाउडर। अब मैं जीरा दे रही हूँ, जीरा 1 टेबल चम्मच दे रही हूँ मैं। धनिया पाउडर दिया मैंने 1/2 टेबल चम्मच और मैं कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर दे रही हूँ 1/2 टेबल चम्मच। सारे मसाले को मैं मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। दे रही हूँ हल्दी पाउडर, मैं एडिशन कर रही हूँ, मैं नमक दे रही हूँ। बहुत सारे लोग जीरा अदरक लहसुन का पेस्ट भी देते हैं लेकिन इस तरह से भी कभी बनाइएगा। मैंने फिश को 5 मिनट के लिए रेस्ट में रखा है। अब मैं इधर में कढ़ाई गर्म होने देती हूँ तो मैं तेल दे रही हूँ, मैं 3 टेबल स्पून दिया है तेल, बाद में अगर लगे तो बाद में दूंगी। तो मैंने 1-1 करके फिश दे दिया, 2 मिनट बाद ही मैं इसको कलर दे रही हूँ क्योंकि मुझे फिश ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्की हल्की सी फ्राई करना है, इससे अच्छा टेस्ट आती है। और एक बार कलर दिया, निकाल रही हूँ एक डिश में, बाकी का फिश भी मैं फ्राई कर रही हूँ। सारे फिश फ्राई हो गया है तो अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ कलौंजी। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, ये बंगाली में कालो जीरा बोलते हैं इसको। तो अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ पेस्ट जो मैंने बना के रखा था, थोड़ा सा मैं जिस ग्राइंड में मैंने पेस्ट किया था उसमें मैं पानी दे रही हूँ थोड़ा सा। मसाले को अच्छे से चलाना है। अब मैं गैस का फ्लेम लो कर रही हूँ, अभी तक हाई था तो मैं ढक के रखूँगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद मसाला थोड़ा सा भून लिया तो मैं नून दे रही हूँ, नमक टेस्ट के हिसाब से दे रही हूँ और मैं थोड़ा सा पानी दे के ढक के रखूँगी इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए, गैस का फ्लेम लो है। ये देखिए मसाला अच्छे से पक गई है। और 2 मिनट में ऐसे चलाऊंगी, चलाते रहना है। हाँ अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ फ्राई किया हुआ फिश, थोड़ा सा चलाया। मैं ग्रेवी के लिए पानी दे रही हूँ, आप गर्म पानी भी दे सकते हैं, मैंने ऐसे ठंडा पानी दिया है, ढक के रखूँगी। अब मैं गैस का फ्लेम हाई कर रही हूँ,
यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रखा था। बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही स्वादिष्ट फिश करी बनकर तैयार है। आप भी घर पे बनाना और अपना अनुभव अंजनाज किचन में शेयर करना, कमेंट्स करके बताना। इसी तरह का वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वीडियो के लिए।